नमस्कार, जय श्री राम। बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं राशि कन्या के जातक आपको नववर्ष 2018 की। मेरी भगवान गणेश जी से प्रार्थना है, भगवान राम से प्रार्थना है कि 2018 आपके लिए सारी सुख समृद्धियों से भरपूर रहे। जो आपकी मनोकामनाएं 2017 में पूर्ण नहीं हो पाई हैं, वो आपकी 2018 में निश्चित रूप से पूर्ण हो। कैसा रहेगा 2018 आपके लिए, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे चर्चा का जो प्रारंभ होगा वो स्वास्थ्य को लेकर के होगा। कारण है कि जो कन्या राशि है, बुध कृत राशि है, और थोड़े से मौसम परिवर्तन पर ही आप लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। खासकर जो कन्या राशि के जातक हैं वो अपनी सुंदरता को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने स्किन को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों को कला से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, मीडिया से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। खैर, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर भी रहने वाली हैं। 2018 इन दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे आपके पारिवारिक माहौल को लेकर के। स्वास्थ्य की दृष्टि से निश्चित रूप से आपका 2018 अच्छा रहेगा। ऊर्जा आपके शरीर के अंदर रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, 2018 में ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। दूसरी चीज़ बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से और पारिवारिक दृष्टिकोण से कि 2018 आपका किस प्रकार रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी 2018 आपके लिए बेहतर रहने वाला है, और अगर हम पारिवारिक दृष्टिकोण से कुटुंब की परिस्थितियों को लेकर के बात करें तो भी आपका 2018 निश्चित रूप से बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक संबंध आपके बहुत बेहतर होंगे। अब हम बात करेंगे राजनैतिक क्षेत्र को लेकर के, पब्लिक का सपोर्ट राजनैतिक लोगों को किस प्रकार का प्राप्त होने वाला है 2018। राजनैतिक दृष्टिकोण से पब्लिक सपोर्ट को लेकर के बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप एक साधारण व्यक्ति होकर के भी असाधारण लोगों पर काबू पा सकते हैं, साधारण नेता होकर के भी असाधारण नेता को हराने की क्षमता रखते हैं। राजनैतिक क्षेत्र आपका 2018 में बहुत उत्तम तरीके से व्यतीत होने वाला है। हाँ, पर यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए 2018 बेहतर नहीं है, वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकताएं होंगी। यदि आपके शरीर में कोई रोग होता है तो वो रोग आपको काफ़ी दिन तक परेशान करेगा, यानी जो दवाइयाँ आप ग्रहण करेंगे वो दवाइयाँ आपके स्वास्थ्य पर अच्छा लाभ देने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाएंगी, और माता को नसों से संबंधित प्रॉब्लम जरूर होगी 2018 में। अब जो आपके लिए नुकसानदेह क्षेत्र है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। नुकसानदेह क्षेत्र क्या है? यदि आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो 2018 में उस प्रेम संबंध में आपके खटास जरूर उत्पन्न होनी है। उसके साथ साथ मित्रों से आपके संबंध खराब होंगे। 2018 अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। भगवान की आराधना के साथ 2018 प्रारंभ करें और उसके भगवान की आराधना के साथ व्यतीत करें, अगले 2018 बहुत अच्छा जाएगा। आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। 2018 के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।